वेलकम टू इंडियन मॉम इन इज़राइल. कैसे हैं आप सब? सो अभी अभी मैं ऑफिस से आई हूँ. अभी नहीं, एक्चुअली हो गया मुझे आधा घंटा मैं ऑफिस से आई हूँ एंड सीधे मैं किचन में घुस गई हूँ. डिनर बनाना है, टाइम नहीं है. ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, 9:15 बज चुके हैं एंड डिनर बनाना है. मैं चने की दाल भिगो के गई थी. मैं बनाने वाली हूँ आज लौकी एंड चना दाल की सब्ज़ी. दूधी बोलते हैं उसे मराठी में. एंड उसके साथ बनाऊंगी रोटी. सो इट्स सिंपल रोटी सब्जी डिनर टुडे. बट मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ सिंस माय चैनल इज़ ऑल अबाउट रियलिटी. सो रियलिटी ये है कि मेरी जो चना दाल है मैं भिगो के गई थी एंड अभी मैंने कुकर में लगाई इसे तो वो ओवर कुक हो गई है. बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. सो ये यहाँ पर इस तरह से दूधी मिलती है छोटी छोटी और ये बहुत जल्दी पक जाती है. तो मैं इसे नहीं कुकर में नहीं पकाया मैंने, मैं ऐसे ही पकाने वाली हूँ. लेट्स स्टार्ट. Like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है ये 2 लौकी ली थी छोटी छोटी. इसे मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, कट कर लिया है ताकि ये जल्दी पक जाए. बिकॉज़ एज मैंने बताया आपको पहले भी कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लेट हो चुका है. ये है चना दाल जो मेरी ओवर कुक हो चुकी है बट स्टिल पीसेस नज़र आ रहे हैं, एकदम मैश नहीं हुई है. बट देखते हैं अभी कैसे बनती है. यहाँ पर लिया है मैंने एक ऑनियन, एक बड़ा ऑनियन है एंड इसी के साथ मैंने ये ग्रीन आपको दिख रहा है इसमें ही मिर्ची मैंने हरी मिर्च भी काट ली है, चॉप कर लिया है. और ये एक्चुअली पोटैटो है, कल का बचा हुआ था, हमने भेल बनाई थी तो उसमें से बचा हुआ है, वो भी मैं डाल दूंगी इसमें ताकि वेस्ट ना हो. एंड यहाँ पर कुछ मसाले, राई मस्टर्ड सी का झोंक लगाएंगे हम लोग, उसे फोड़नी बोलते हैं तो मैं एक्चुअली मराठी में बोलने वाली थी. राई जीरे की का झोंक लगाएंगे, कड़ी पत्ता भी होगा साथ में एंड हींग और ये हल्दी. लाल मिर्च हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे बिकॉज़ उसमें भी हरी मिर्च है तो थोड़ा सा ही डालना है. धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर हम यूज़ करेंगे एंड ये रहा मेरी हींग. ये हींग यूज़ करूँगी एंड सॉल्ट अपने स्वाद के हिसाब से हम डालेंगे. एंड ये रहा मेरा कड़ी पत्ता, इसे मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ फ्रिज में. एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने चाय अपनी गर्म करने के लिए रख दी है. एलन ने बना कर रखी थी सो गर्म करने के लिए रख दी है. साइड बाय साइड मैं अपनी सब्ज़ी भी बना लूँगी. सो ये यहाँ पर मैंने रख दिया है बर्तन सब्ज़ी के लिए. यहाँ पर मैंने लिया 1 टेबलस्पून के जितना ऑलिव ऑयल लिया है. गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, हींग एंड इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून राई. जब ये स्प्लटर हो जाएगी तब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे झोंक के लिए. ओके सो ये राई हो गई है, अब मैं इसमें बाकी के ये इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ. एंड फ्रेंड्स मैंने इसमें लिया था 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा, 4-5 कड़ी पत्ता एंड 2 पिंचेस ऑफ हींग लिया था, वो डाल दिया था मैंने. एंड देन मैंने इमीडिएटली इसके अंदर जो है ऑनियन एंड मिर्ची का जो मैंने चॉप कर लिया था वो डाल दिया बिकॉज नहीं तो जल जाता मेरा जो कड़ी पत्ता और जीरा था वो जल जाता. सो मैंने इसमें इमीडिएटली डाल दिया एंड अभी मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट. आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं. तो इसे हम पकने देंगे, मैं कवर करके पकाऊंगी बिकॉज मैंने ऑयल कम यूज़ किया है इसमें. जैसे कि आप जानते होंगे मेरे, अगर आप वीडियोस फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं बहुत ही कम ऑयल में खाना बनाती हूँ. सो मैंने ऑयल बहुत कम लिया है इसमें तो आई विल कवर इट एंड कुक इट. सो गाइज मैंने यहाँ पर इसे कवर कर दिया है एंड मैंने फ्लेम भी हाई रखा है ताकि ये जल्दी पक जाए. एंड फ्रेंड्स मेरी चाय भी यहाँ गर्म हो गई है सो मैं उसे भी पीती रहूँगी, काम करती रहूँगी, ऐसा ही चलता है मेरा. मैं यहाँ पर आटा भी लगा रही हूँ रोटी के लिए. सो यहाँ पर जो है ना इंडियन स्टोर में ये सम्राट आटा मिलता है जो कि मुझे ना इतना पसंद नहीं है पर्सनली, बट यहाँ पर वही एक ऑप्शन है सो वो मैं ले रही हूँ थोड़ा. बिकॉज मुझे पसंद क्यों नहीं है, बिकॉज इससे रोटियाँ जो है ना दूसरे दिन इसके टुकड़े पड़ने लगते हैं. सो
सॉफ्ट नहीं रहती है। सो मैं क्या करती हूँ कि ये आटा एंड थोड़ा सा मैदा मैं मिक्स करके बनाती हूँ रोटियाँ, तो ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे रहे। ये मुझे होल व्हीट आटा जैसा लगता है, ये व्हीट व्हीट फ्लावर नहीं है, ये होल व्हीट लगता है मुझे। सो इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा डाल दिया है ताकि ये अच्छा सॉफ्ट बने। एंड फ्रेंड्स, अपनी सब्जी को नहीं भूलना है, चलाना है एक बार, नहीं तो ये जल जाएगी नीचे। बिकॉज अगर आप मेरे जैसा लेस ऑयल में बना रहे हैं तो इसे चलाते रहना पड़ेगा, भूलना नहीं है। सो ये ऑनियन अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, 1 टीस्पून के जितना। एंड इसमें अब सारे मसाले डाल देने हैं। सो मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी एंड 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। एंड इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जस्ट बिकॉज कि ये मसाले सब जले नहीं, इसमें मॉइस्चर कम है। एंड इसे अच्छे से मिक्स करना है एंड थोड़ी देर के लिए और पकाना है, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 मिनट्स के लिए ढक के स्लो गैस पे या मीडियम गैस पे एक्चुअली। ओके, सो ये मसाला अच्छे से पक गया है मेरा, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है, जो भी डाला था मैंने वो अच्छे से दिख रहा है मुझे। एंड अब मैं इसमें ये लौकी ऐड कर देती हूँ, दूधी। सो ये मैंने लौकी ऐड कर दिया है, इसी के साथ मैं ये आलू भी डाल देती हूँ। एंड इसे अच्छे से मिक्स करना है। ओके, एंड एट दिस पॉइंट ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कितना ग्रेवी चाहिए इसके अंदर, ड्राई बनाना है या ग्रेवी चाहिए। मुझे थोड़ा सा पानी लगेगा बिकॉज ये मुझे बहुत ही ड्राई लग रहा है, सो एटलीस्ट इसे पकने के लिए थोड़ा सा पानी मैं डालूंगी, अप्रॉक्सीमेटली 1/2 ग्लास पानी डालूंगी। सो ये पानी डाल दिया इसमें मैंने। एंड अगर आपकी दाल जो है मेरी जितनी ओवर कुक नहीं हुई है ना, तो आप अभी दाल भी डाल सकते हैं। बिकॉज मेरी ओवर कुक हो गई है तो मैं नहीं चाहती कि वो और गल जाए, तो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा ये पक जाए लौकी तब मैं डालूंगी। सो अब इसे कवर करके हमें पकने देना है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर भी ऑलिव ऑयल ही लिया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इससे फ्लेवर में फ़र्क पड़ेगा, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ये वेरी ये एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं है, ये बहुत ही लो डेंस्ड ऑलिव ऑयल है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी सब्जी, इसे मैं एक बार चला देती हूँ। एंड लौकी जो है जल्दी, बहुत जल्दी पक जाती है यहाँ की। सो देखते हैं कितना पकी है, नहीं और थोड़ी पकने बाकी है, इसे ऐसे ही और मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। एंड गाइस, मेरा ये आटा भी यहाँ पर रेडी हो गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इतना नरम आटा क्यों बनाया है, सो वो इसलिए क्योंकि मैं आज रोटियाँ बनाने वाली हूँ रोटी मेकर में। सो कीप वॉचिंग, एंड अगर आपको रिव्यू भी चाहिए तो उसका मिल जाएगा आपको, और जब मैं बनाऊँगी आप देख लेना, आपके सामने ही बनाऊँगी।
एंड फ्रेंड्स ये देखिए चाय मैं अभी पी रही हूँ। अच्छी बनी है। राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पर मेरी लौकी जो है पक चुकी है। अब मैं इसमें ये दाल ऐड कर देती हूँ एंड इसे अच्छे से मिक्स करके मैं दो मिनट और थोड़ा पकाऊंगी ताकि दाल इसमें अच्छे से मर्ज हो जाए। इसे ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी बिकॉज़ ये दाल जो है बहुत ही ओवरकुक्ड हो गई है। ऐसे ही मैं ऐसे जैसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे कर लूँगी इस तरह से। एंड इसमें मॉइस्चर भी बराबर है जैसे मुझे चाहिए था। मुझे ज़्यादा भी ग्रेवी नहीं चाहिए एंड एकदम ड्राई भी नहीं चाहिए। इसे बस 2 मिनट के लिए अब मैं पकाऊंगी एंड उसके बाद थोड़ा सा धनिया डाल के इसे सर्व करेंगे। Forget to like, share, and comment to this video if you liked it, if you like the recipe that I may show you. And do not forget to subscribe to my channel Indian Mom in Israel. Also share with your friends, family, relatives, anyone you know. Share it on your Facebook, on your Instagram. Thank you guys. That's my vlog for today and take care. Bye bye.